पेश है लंच टाइम बुलेटिन। बालाकोट के हीरो विंग कमांडर अभिनंदन और स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर सम्मानित करेंगे वायुसेना चीफ। दोनों पहले भी हो चुके हैं सम्मानित। राम जन्मभूमि विवाद पर सीएम योगी ने दिया संकेत, कहा हम सबका है विश्वास, भगवान राम की शक्ति से आने वाले समय में हम लोगों को मिल सकती है बहुत अच्छी खुशखबरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 798 उम्मीदवारों के नामांकन किए गए रद्द, मैदान में है कुल 4739 प्रत्याशी, 7 अक्टूबर है नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख। यूपी के मुरादाबाद में बड़ा रेल हादसा होने से टला, पटरी से उतरी लखनऊ से दिल्ली आ रही डबल डेकर ट्रेन, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार में आई बाढ़ के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी, सुरक्षा गार्डों ने पत्रकारों के साथ की बदसलूकी, पटना के मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे थे नीतीश। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में 5 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने मंसूबों को किया नाकाम, पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में लगातार कर रहे हैं घुसपैठ की कोशिश। मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर आक्रोश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 5 किलोमीटर पहले ही रोका, काटे जा चुके हैं 2500 से ज्यादा पेड़, इलाके में धारा 144 लागू, सीजीआई रंजन गोगोई से आज मिलेगा स्टूडेंट डेलीगेशन। आरे में पेड़ों की कटाई पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी जताया विरोध, डायरेक्टर करण जौहर बोले हो रहा कत्लेआम, हम खुद ही बन रहे अपने दुश्मन, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने कहा अपने घर की इज्जत करते हुए हमें खुद ही बनना है हमारी दुनिया का प्रबंधक। वाइजेक टेस्ट के 5वें दिन साउथ अफ्रीका ने लंच ब्रेक तक 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 117 रन, जीत से सिर्फ 2 कदम दूर है टीम इंडिया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर लगाया परमाणु वार्ता तोड़ने का आरोप, स्वीडन में कार्यकारी स्तर पर दोनों देशों के अधिकारी कर रहे हैं बातचीत। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।